यार सच बोलना चाहूंगा, मैं इसके पहले एपिसोड पर रो दिया था यार, सच में। यानी एक्चुअली मैंने इसकी मांगा भी पढ़ी है और मैं मांगा में भी रो दिया था, और इवन जब इसका एनिमे आया तब मैं एनिमे में भी रो दिया। जो पहला एपिसोड है ना यार, वो सबको दिमाग में और दिल में ऐसी जगह लगा है ना कि यार सब लोग उसके बारे में बस यही बात कर रहे हैं कि भाई दिल छू गया यार, ये मतलब रुला दिया यार इसने बुरी तरीके से यार। अभी सारी सोशल मीडिया पे सब लोग यही बात कर रहे हैं कि यार ये कितना एपिक था इसका फर्स्ट एपिसोड, सबको रुला कर रख दिया। टू योर इटर्निटी में बहुत सारे ऐसे सीन्स आने वाले हैं जहाँ पर तुम लोग रोने वाले हो, और पहला एपिसोड तो सिर्फ स्टार्ट था। मैंने इसकी मांगा पढ़ी और मैं कभी पहले एपिसोड्स के आगे जा ही नहीं पाया, लेकिन या मैंने वो बोलते हैं ना कि तुम अपने एक्साइटमेंट में कुछ और चैप्टर्स को बस ऐसे ही सटासट देख लेते हो बिना कुछ ले, मैंने करा था वो, मैंने कुछ एपिसोड्स को देख लिया था और आई रियलाइज यार ये मांगा के चैप्टर्स यार मुझसे नहीं हो पाएगा यार, ये यार बहुत ज्यादा है मेरे लिए, सो मैंने उस मांगा को वहीं छोड़ दिया। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले, मतलब कल दो दिन पहले मैंने देखा यार ये टू यू इटर्निटी इसका एनिमे आ गया, आई मीन इसका एनिमे अडॉप्टेशन हो गया, व्हाट द हेल मैन, हाउ, कैसे, किस कैसे हो रहा है ये। सो यार जब हो गया तो मैंने सोचा यार लेट्स फिर से देखते हैं इसका फर्स्ट एपिसोड, हो सकता है कि कुछ चीजें चेंज हो। और एक्चुअली जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा, मैंने देखा यार कुछ भी चेंज नहीं है, एग्जैक्ट जो चीज मांगा में थी वो एनिमे में है, एक परफेक्ट कॉपी करी है उन लोगों ने इसकी अडॉप्टेशन की, एक परफेक्ट अडॉप्टेशन में बोल सकता हूँ, एक परफेक्ट स्टार्ट में बोल सकता हूँ टू यू इटर्निटी एनिमे के लिए। बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक इमॉर्टल के बारे में, एक इमॉर्टल जिसके पास पावर्स है शेप शिफ्टिंग की, वो जिसको भी देखता है उसका इमोशंस उसका शेप वो शिफ्ट कर लेता, और जो कैरेक्टर तुम इसमें जी रहे हो वो ऑलरेडी मर चुका है उसके फर्स्ट एपिसोड में। ऐसी कुछ स्टोरी है जब वो पहली बार एक फुल बनके एक नॉर्मल बंदे के पास आता है और उस नॉर्मल बंदे से वो फीलिंग्स लेता है एक ह्यूमंस की कि एक ह्यूमंस कैसे जीता है, और जब वो नॉर्मल बंदा मर जाता है इन द फर्स्ट एपिसोड, वो सीन बहुत ट्रैजिक था मेरे लिए देखना, बट स्टिल यार वो एक एनिमे है, लेकिन फिर भी मेरे को फील हुआ कि यार इट्स फिक्शन बुक, बट फिर भी मेरे को फील हुआ कि ये एनिमे एकदम सही जगह पे हिट कर गया यार, अब मैं इस एनिमे को नहीं छोड़ सकता। इस एनिमे में 20 एपिसोड होने वाले, यानी कि 19 एपिसोड और है ऐसे जिसमें मैं पकड़ के रोने वाला हूँ। एक्चुअली इसके 2 एपिसोड आ चुके हैं, सो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। बस बेसिकली मैं बोलना चाहूंगा उन अंडर एज 13 बंदों को, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस यार, ये थोड़ा अडल्ट लोगों के लिए, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा अडल्ट लोगों के लिए, मतलब इसमें इतने सारे इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेला गया ना कि छोटे बच्चे तो हैंडल ही नहीं कर पाए। आई मीन अगर इस एनिमे की स्टोरी की मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही सिंपल सिनेरियो में स्टार्ट होती है। एक गॉड लाइक बीइंग एक मॉस एक स्पेयर को क्रिएट करती है या करता है और उसको अर्थ पे छोड़ देता है, वो अर्थ पे आते ही एक स्टोन बन जाता है और इटर्निटी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए वो एक स्टोन ही बना रहता है, देन वो धीरे से उस स्टोन से एक मॉस में चेंज हो जाता है। मैंने बोला एक शेप शिफ्टिंग टाइप की पावर है, बस तुम लोग ऐसा ही समझ, एक सिंपल वर्ड में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स में उसे एनिमे में समझाया है, सो अगर तुम लोगों को डिटेल वर्जन देखना है तो तुम लोगों को एनिमे देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं तुमको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा ताकि तुमको समझ में आ जाए कि एक एनिमे का कॉन्सेप्ट क्या है। सो वही इसके पास एक शेप शिफ्टिंग की पावर्स है और एक बार ये मॉस में चेंज होता है, फिर धीरे धीरे चीजें चेंज होती है और ये वुल्फ में चेंज होता है या फिर मैं कहूँ एक डॉग में चेंज होता है, और ये फाइनली मीट करता है एक ह्यूमन से। अब यहाँ से एक एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है, वो उस ह्यूमन का एक बेस्ट फ्रेंड बन जाता है और उसी के साथ रहता है। अब क्योंकि वो एक जगह बहुत बर्फीली जगह रहती है, सो उसका जो ह्यूमन फ्रेंड रहता है वो उससे घंटों घंटों बात करता है एक बंद कमरे में, अबाउट देयर इज अ पैराडाइज आउटसाइड दिस लैंड, देयर इज ग्रास आउटसाइड दिस लैंड, वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे सब्जियां हैं, वहाँ पे ग्रास है, वो एक पैराडाइज है, हम वहाँ पर जाएंगे, हम लोग कर सकते हैं, इस टाइप की बातें वो उसके डॉग से करता है, लेकिन उसका डॉग कुछ नहीं समझ सकता, लिटरली वो जो गॉड वो जो स्पेयर वाला एक बींग है वो कुछ नहीं समझ सकता कि क्या हो रहा है उस वक्त में या उस चीज के साथ में। उसके पास अभी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे कर रहा है जनरेट उसके उस फ्रेंड के लिए फीलिंग। वो लोग एक जर्नी पे निकल जाते हैं उस पैराडाइज को ढूंढने के लिए, बहुत लंबी जर्नी, एक बहुत बड़ी जर्नी पे उस पैराडाइज को ढूंढने के लिए। उस पूरे रास्ते में बात कर रहा है कि देयर इज पैराडाइज आउटसाइड दिस लैंड, देयर इज पैराडाइज आउटसाइड दिस लैंड, और फिर एक समय आता है जब उसको चोट लग जाती है उसके पैर में और देन उसको रियलाइज होता है कि उसको इस जर्नी को यहीं पे खत्म करना होगा। बेसिकली इस टाइम पे सारी ऑडियंस और सारे उस एनिमे वॉचर्स को, उस फर्स्ट एपिसोड के वॉचर्स को पता चल जाता है कि स्टोरी कहाँ पर टर्न लेने वाली है। बेसिकली उन लोगों को तो पहले से पता था जो लोग मांगा पढ़ रहे हैं, लेकिन उन एनिमे वॉचर्स के लिए वो काफी शॉकिंग चीज थी, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखना उनके लिए भाई एपिक, उन्होंने सोचा ब्रो और ब्रो मेरा हार्ट ब्रोकन हो गया ब्रो, इस टाइप की चीजें हुई उनके साथ में। लेकिन जब जो हमारा फर्स्ट एपिसोड में जो ह्यूमन रहता है वो एक्चुअली मर जाता है, वो सभी लोगों के लिए बहुत ट्रेजिक सिचुएशन रहती है लिटरली,
बहुत ट्रेजिक सिचुएशन, एंड देन जब उसका वो ह्यूमन फ्रेंड मर जाता है तब वो उसके इमोशंस ले लेता है, या फिर मैं कहूँ उसका सेफ शिफ्ट कर लेता है उस ह्यूमंस की, और यहाँ से एक एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा स्पॉइल करूँगा तो तुम लोगों को एनीमे देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। अगर मैं बात करूँ एनिमेशन की, सो भाई बहुत तगड़ा तो नहीं पर स्टिल एक अडॉप्टेशन के हिसाब से बहुत अच्छा एनिमे है, या एनिमेशन है मैं कहूँगा, बहुत सही एनिमेशन है। जिस टाइप से उस मांगा में था उसी टाइप से इस एनिमे में है, सो काफ़ी चीज़ें सिमिलर है और मुझे बहुत अच्छी लगी। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ इसकी स्टोरी की, सो वो तो टॉप नॉच है ही। और अगर हम दूसरी चीज़ के बारे में बात करें वो है ओपी एंड एंडिंग, ओपनिंग एंड एंडिंग। सो या ओपनिंग भाई बहुत अच्छी थी, एंडिंग भी ठीक ठाक ही थी। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं तुम लोगों को बिल्कुल रेकमेंड करूंगा कि एनिमे को जाकर के देखो, लेकिन 13 के नीचे वाले भाई स्टे अवे फ्रॉम दिस यार, स्टे अवे फ्रॉम दिस। तुम लोगों के लिए नहीं है, इतनी सारी फीलिंग्स हैंडल नहीं कर सकते, बट स्टिल अगर तुम कर सकते हो ना तो एक बार जरूर चेकआउट करना और फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद डिसाइड करना क्या तुम लोगों को इसको कीप वॉच करना चाहिए, क्योंकि इसमें 20 एपिसोड्स होने वाले और मे बी ये एनिमे डब भी होने वाला है। अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है इसकी डब के ऊपर, बट स्टिल मेरे को लगता है कि डब होने वाला है, क्योंकि इतनी अच्छी मांगा का जब एनिमे अडॉप्टेशन होगा तो ऑफकोर्स डब होगा। सो बस आज के लिए इतना ही, आई होप तुम लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।